भागलपुर जिले के बायपास टीओपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिक्शा डी में न्यू अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण कराया गया। गुरुवार को भागलपुर के जिलाधिकारी द्वारा फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, डिक्सन मोर कोयला डिपो बस स्टैंड से खुलने वाली सभी बस अब रिक्शा डी बस स्टैंड से खुलेगी। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में 400,000 लोग यातायात व्यवस्था से परेशान रहते थे, इसलिए टेम्पोररी इसको ठीक ठाक कराकर बिजली पानी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा और ग्राउंड को दुरुस्त कराया जाएगा ताकि किसी भी परेशानी का लोगों को सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के लाखों लोग जो हर दिन जाम से जूझते थे, वह परेशानी अब समाप्त हो जाएगी क्योंकि बसें अब शहर नहीं आएंगी और यहां से शहर से कनेक्ट करने के लिए टोटो और ऑटो की व्यवस्था की जाएगी। इससे शहर के लाखों लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि शहर के लोग यातायात व्यवस्था से काफी जाम रहता था, टेम्पररली इसको हम लोग ठीक ठाक करा करके यहाँ पे स्टैंड को हम लोग ठीक कर रहे हैं। बिजली पानी शौचालय की भी व्यवस्था है और जो जो मोटा मोटी ग्राउंड है उसे भी ठीक कराया गया है, लेकिन और दुरुस्त कराने की जरूरत है, जो दुरुस्त कराएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 400,000 लोगों को जो प्रतिदिन परेशानी होती थी वो परेशानी आगे नहीं होगा क्योंकि शहर में बसें नहीं जाएंगी और यहाँ से भी हम लोग शहर को कनेक्ट करने के लिए ऑटो है या ऑटो है, शहर के जीवन को काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी। भागलपुर को पर्यटन की दिशा में विकसित करने को लेकर पहल तेज हो गई है। पटना से भागलपुर पहुंची इनलैंड वाटरवेज की टीम के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवलेश्वर चौधरी ने बैठक की। इस दौरान जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवलेश्वर चौधरी ने बताया कि खासकर सुल्तानगंज से कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक जल मार्ग को सुचारू कर ट्रांसपोर्टेशन और पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। अभी इनलैंड वाटरवेज की टीम आई हुई है, NWN के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। मैंने रिक्वेस्ट किया था, हालांकि पहले से प्रोजेक्ट था, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो जेटी है, जेटी को जल्द ही निर्माण कराया जाए ताकि लोगों का एक परिवहन का माध्यम बने, सामग्री के परिवहन का माध्यम बने और एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्ट मूवमेंट हो जाए। दुग्ध उत्पादन है या डेयरी है या फल है, सब्जी है, फूल है, इसका उत्पादन को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। दूसरी बात, लोगों के मूवमेंट को बढ़ा सकें और थर्ड, हम लोग टूरिज़्म को ग्रो करा सकें, खास करके सुल्तानगंज से लोग बैठें और भागलपुर के बगल से होते हुए कहलगांव तक जाएं और डिफरेंट जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है उसका भ्रमण करें और उसमें अपना समय भी वो बिता सकें। तो इस तरीके की व्यवस्था के लिए ये अभी बैठक चल रही है और इसमें काफ़ी पॉजिटिव परिणाम आए हैं और शीघ्रातिशीघ्र भागलपुर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। निगरानी टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में अधिप्राप्ति मैनेजर शहीद राजा को 1,05,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। परिवारवादी अलौली हरिपुर क्रिया का रहने वाला परमानंद भगत का पुत्र संतोष कुमार ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को की थी। वहीं इसको लेकर निगरानी टीम ने एक टीम गठित कर इसका सत्यापन किया और शहीद राजा को 1,05,000 का रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि खगड़िया अलौली का रहने वाला संतोष कुमार राइस मिल का संचालक है और वो हाईटेक एंड उड़ान इंटरनेशनल के नाम से फर्म चलाता है। इस राइस मिल से चावल तैयार करके बिहार राज्य खाद निगम स्थित गोदाम में भेजा करता है। इसी बाबत अधिप्रति मैनेजर शहीद राजा द्वारा प्रति ट्रक गिरने के हिसाब से 30,000 रिश्वत की मांग की जाती थी। आगे भी कई बातें तय हुई थी, इसको लेकर अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद आज भागलपुर न्यायालय भेजा गया। जानकारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक विकास कुमार श्रीवास्तव ने दी। इस कांड के परिवादी संतोष कुमार, पिता स्वर्गीय परमानंद भगत, ग्राम हरिपुर, थाना अलौली, खगड़िया है। इनका एक राइस मिल है जो हाईटेक एग्रो उड़ान इंटरनेशनल राइस मिल के नाम से है और इस राइस मिल से बेसिकली चावल तैयार करके बिहार राज्य खाद निगम खगड़िया स्थित गोदाम में पैक्स के माध्यम से ट्रैक्टर या ट्रक से सप्लाई करते हैं और इसी चावल की अधिप्राप्ति के लिए बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन का असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर, अधिप्राप्ति मैनेजर शाहिद रजा द्वारा प्रति ट्रक गिराने के हिसाब से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी और आगे भी गिरवाने के लिए उनके द्वारा कुछ ट्रक गिरवाया गया था, जिसके लिए ये प्रति ट्रक 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे और आगे भी कुछ था। उसी बीच में डिमांड हुआ इनके ओर से और इनका मामला सेटलमेंट हुआ 1,05,000 रुपये में और वो चूँकि रिश्वत की राशि देना नहीं चाहते तो इसलिए हमारे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन लेके आए, शिकायत लेके आए। ब्यूरो में महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
के आदेश से इस हमारे कंप्लेन को, इनके द्वारा दिए गए कंप्लेन को वेरीफाई कराया गया हमारे ब्यूरो के ऑफिसर के द्वारा, और सत्यापन सही पाया गया और उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की गई। निगरानी टीम के द्वारा ये जो है अपने किराए के मकान यशोदा नगर वार्ड नंबर 23 गोशाला रोड खगड़िया में कल सुबह करीब 8:20 पे 1,05,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मद फरहान चमेली चक स्टेडियम हबीबपुर थाना में हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा चमेली चक स्टेडियम से फरहान उर्फ तंजिम को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। भागलपुर पुलिस की यह बड़ी सफलता है। हबीबपुर थाना अंतर्गत एक इरफान नाम का अपराधी है, इसके ऊपर भी पूर्व से 8 कांड दर्ज है और उसके बारे में भी कल सूचना मिली थी कि वो अभी हथियार के साथ कहीं घटना कारित करने के लिए प्रयासरत है, तो उसकी भी गिरफ्तारी जो चक इमली स्टेडियम है हबीबपुर थाना अंतर्गत वहाँ से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसके ऊपर पूर्व से 8 मामले दर्ज हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 6 अवैध हथियार और कारतूस की भी बरामदगी की गई है। जो हमारा अभियान है अपराधियों के खिलाफ, अपराध कारित करने वालों के खिलाफ, यह लगातार जारी है और आगे भी जारी है। रिवार्ड तो बनता है सर, ये सभी जितने भी मामले हैं सभी मामलों में जो भी टीम में हमारे सम्मिलित थे पदाधिकारी हैं उनके रिवार्ड किया जा रहा है। नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय के समीप रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे लोगों से अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर मारपीट कर 4400 रुपये लूट लिए। इस संबंध में नाथनगर थाना कांड संख्या 130/24 में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया तथा कांड के उद्भेदन हेतु एक SIT गठित की गई। उक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को अवैध देसी हथियार के साथ नाथनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। नाथनगर थाने में प्रतिवेदित हुई और उसमें एक व्यक्ति से कुछ पैसे कुछ लोगों के द्वारा छीना गया हथियार के दम पे, और उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए उसमें ASP प्रोबेशनर अश्री अभिनव के नेतृत्व में एक टीम बनी और जिसमें PSHO नाथनगर राजीव और SHO ललमटिया राजीव और अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल थे। उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसमें सम्मिलित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर भी पूर्व से, इसमें एक आनंद नाम का है अपराधी, उस पर पूर्व में 7 केस दर्ज हैं, और भी जो उसमें 2 अपराधी हैं उनके ऊपर भी 2-2 कांड पूर्व से दर्ज हैं, और इनके पास से कुल 4 हथियार अवैध हथियारों की भी बरामदगी की गई है और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया है। 24 घंटे के अंदर इसमें शामिल सभी अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। लूट का जो था उसमें भी कुछ बरामदगी हुआ है? हाँ, इसमें लूट में 4400 रुपए लूटे गए थे, तो उन पैसे की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन इनके पास से जो अवैध हथियार थे उसकी बरामदगी हुई और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तीसरा, जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल इनामी कुख्यात अपराधी भूषण यादव की गिरफ्तारी हेतु SSP के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल गठित किया गया। उक्त टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम इंग्लिश में गंगा पार इंग्लिश देहरा क्षेत्र से भूषण यादव को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा 1 देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया।
अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, और इस क्रम में 3 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और उसमें सबसे बड़ी सफलता यहाँ के टॉप 10 अपराधियों में शुमार भूषण यादव की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है, और इंग्लिश डेरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और जो भूषण यादव है उसका जो आपराधिक इतिहास है वो 25 साल लंबा है। तो पहला उसने क्राइम किया था 1998 में, और जो आखिरी जो हम लोग के पास जो केसेस की सूची प्राप्त हुई है आखिरी जो उसका केस है वो 2023 का है। 25 सालों से यह अपराध की दुनिया में है, और इसके ऊपर कुल 16 कांड, हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी, इन सभी मामलों आर्म्स एक्ट के, विस्फोटक अधिनियम के कुल 16 मामले इसमें दर्ज हैं। और इसमें CTSP साहब इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, और वीडियो विधि व्यवस्था मंगलेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिसमें SHO सबौर, विवेक और अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल थे। उनके द्वारा इसकी घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, और एक बड़े क्रिमिनल की जो टॉप 10 में भी शामिल था उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से घोषित है। दूसरा जो शराब की तस्करी में विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 के कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त नागेश्वर मंडल को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि तय की थी। आज नागेश्वर मंडल को न्यायाधीश राजेश सिंह ने 5 साल कारावास व 1,00,000 रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई। नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई। जानकारी उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी। उन्होंने बताया यह केस 2022 के 4 अप्रैल का ही है। स्पेशल एक्साइज 945/22 और तिलका मौझी 318/22 केस नंबर है, और 24/4/2022 की घटना है। रात्रि गश्ती में पुलिस पदाधिकारी लोग थे और सजदा नगर में ये गश्ती कर रहे थे, तो उसी समय इनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति दारू लेकर के शराब भी पिया है और शराब लेके जा भी रहा है। तो पुलिस उसको गया तो सामने में आदमी पकड़ाया सजदा नगर में, और उसके पास से 5 लीटर देसी शराब मिला। उस कांड में आज माननीय न्यायालय ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह के कोर्ट में आज उनकी सजा सुनाई गई। उक्त कांड में 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीना की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। बिहार पुलिस सप्ताह 2024 के तहत आज तीसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में किया गया। आज के रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के DIG विवेकानंद ने की। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के DIG विवेकानंद, SSP आनंद कुमार, CT DSP राज के अलावे कई वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं दर्जनों जवान मौजूद थे। इस रक्तदान शिविर में कई थानों के दरोगा, सिपाही, CIT, दंगा नियंत्रण सहित महिला पुलिस ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। की तरह इस बार भी पुलिस सप्ताह के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें सभी पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं, और देश और राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो हम निभाते ही हैं, लेकिन जन सरोकार के मुद्दों उसके प्रति भी उतने ही सजग हैं, और हमारा लहू जो है वह इसी क्रम में हम समर्पित करते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नीडी व्यक्ति को यह उपलब्ध कराया जा सके। आम लोगों से सर क्या पूछना रहेगा, खासकर ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत जानती रहती है लोगों में। देखिए, ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी सब्जेक्ट है, और सबको जो भी डोनेट करते हैं वह स्वेच्छा से करते हैं, और यह हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लड डोनेशन से आपके शरीर में ब्लड कमी नहीं होती है, बल्कि उतना ब्लड आपको तुरंत फिर बन भी जाएगा। तो यह तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर 3 महीने पर ब्लड डोनेशन करते हैं, और कम से कम साल में तो एक बार प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ करके ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और इससे काफ़ी मरीजों को सहूलियत भी होगी और ज़रूरत के अवसर पर उन्हें शीघ्र ब्लड मुहैया कराया जा सके।
भागलपुर व भागलपुर के आसपास का क्षेत्र गंगा और कोसी के बीचों बीच है, जहां हर साल बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। वहीं शहर के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र है जहां आगजनी की घटनाएं आए दिन होती रहती है। हम यह कह सकते हैं कि आपदा कह कर नहीं आती, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, आगजनी हो, इससे बचने के लिए आज भागलपुर के पदाधिकारियों को कई नुस्खे बताए गए। भागलपुर के समीक्षा भवन में इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कई संस्थानों ने भाग लिया और आपदा से जुड़े कार्यों की जानकारी रखने वाले उदयकांत मिश्रा ने पदाधिकारियों को कई नुस्खे बताए, जिसमें आग से बचाव, बाढ़ से बचाव, भूकंप से बचाव जैसी कई आपदा से हम कैसे लड़े इसके तरीके बताए गए। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदयकांत सर आए हुए थे और उन्होंने हमारी पूरी टीम को आपदा प्रबंधन संबंधित कई जानकारियाँ दी और हमारे पूरी टीम को इससे काफ़ी लाभ हुआ। और सबसे खास बात है कि उदयकांत सर यहीं से बिलोंग करते हैं, भागलपुर के ही रहने वाले हैं और काफ़ी देश के कई इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने काम किया है और बिहार राज्य में आपदा के लिए काफ़ी बेहतर काम किया है, जिसकी झलक हम लोगों को अभी मिली है। तो हम लोग सभी टीम के मेंबर्स जो आपदा में जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उसके तहत बेहतर काम करेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में महिला हेल्प डेस्क को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला हेल्प डेस्क के तहत जितनी भी महिला सिपाही है उन्हें महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं और बच्चियों के साथ जो गलत काम हो रहा है उस पर अंकुश लगाना। इस बैठक में दर्जनों महिला पुलिस अधिकारी पहुँची थी। ये महिला सुरक्षा से संबंधित था कि विभाग में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, जब हम पुलिस वाले सुरक्षित हैं, पुलिस विभाग में महिला सुरक्षित है, तभी हम समाज को सुरक्षा दे सकते हैं और अपराध घटित नहीं हो, उसके लिए क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, उसके लिए ये ब्रीफिंग था, ताकि हम लोग स्कूल कॉलेज में जाकर आगे इस तरह का कार्यक्रम करें, बच्चियों को सुरक्षा सतर्कता के संबंध में बताएं, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो। बच्चों से संबंधित अपराध भी काफ़ी बढ़ गए हैं, उससे संबंधित अपराध के लिए ही माँ को ब्रीफिंग करने के लिए, पिताजी को ब्रीफिंग करने के लिए इस तरह का भी हम लोग अभियान चला सकते हैं एनजीओ के साथ। तो इसीलिए ये सब ब्रीफिंग हम लोग आपस में ट्रेनिंग के तौर पे बताया गया है, जो महिलाएं हैं पुलिस विभाग में उनको, उनके साथ भी कुछ गलत अगर होता है तो वो भी उसका विरोध करें, अपने आत्मरक्षा के लिए कार्य करें।